Good evening, folks. This is Mayuresh Joshi, along with me, Rushit Sheshpal, Pongari Rajshekar, Vakar Khan, the entire Market Smith research team. It's a Tuesday, and we are back with MSI Stock of the Week. और ये बार जो हमने स्टॉक चूज किया है वो आप स्क्रीन पे भली बात ही देख पा रहे हैं, प्राज इंडस्ट्रीज। काफी कुछ न्यूज चल रही है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल प्राइसिंग में रिविजन अपवर्ड्स हो सकता है, जो पॉलिसी है वहां पे रिवर्सल आ सकता है, जो कैरी फॉरवर्ड इन्वेंट्री है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन नंबर्स के आंकड़े आ रहे हैं, एंड जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ कैरी ओवर इन्वेंट्री अज्यूमिंग ग्लोबल सप्लाईज एज वेल, ये शायद शुगर इंडस्ट्री को फेवर कर सकती है। There is a large part of the market which believes that ethanol pricing can probably move higher. So there were some market murmurs related to this, but from a technical setup and from a cancelling mechanism, शायद प्राज इंडस्ट्रीज का जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज करती क्या है, what it is exactly into, ये innovative products क्या ला रहे हैं, इसके financial results क्या थे, और cancelling के हिसाब से ये stock कैसे placed है, ये सारी चीजों पे हम एक deep dive करेंगे। इसलिए मैं पहले हैंड ओवर करता हूँ वकार खान को, जो डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। तो वकार, प्राज है क्या, एकदम सिंपल टर्म्स में इन्वेस्टर को आप समझा सके, करती क्या है और बिजनेस लाइंस। थैंक यू मरीश। सो प्राज इनिशियली तो हमेशा वॉज अ प्रॉक्सी प्ले ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग, के जितने भी एथेनॉल प्लेयर्स थे उनको प्लांट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर बनाना है तो उनकी जितनी भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज बोलो या उसका इनोवेशन बोलो, पूरा के पूरा प्राज को पता है और प्राज करती है। सो फ्रॉम 1G और 2G मतलब फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन, ये सारे प्लांट्स इंडिया में भी और अक्रॉस द ग्लोब भी उनके क्लाइंट्स है और ये वो काम करते हैं। इसके लिए उनको 75% ऑफ द टॉप लाइन अगर हम देखेंगे तो इथेनॉल क्या बोलते हैं, इथेनॉल प्लांट्स के थ्रू या इथेनॉल कंपनीज को जो प्लांट्स बना के देते हैं उससे आता है। बाकी उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स है। ये अब जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है ये वो डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे अब उनके मेजर इनोवेशंस आ रहे हैं, जहाँ पे वो लोग कुछ अलग करने की ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि जहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ से हायर मार्जिन बिजनेस आ सकता है। तो बेसिकली पहले हम डिस्कस करते हैं कि उनका ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल उनका मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर उन्हीं के प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे 10% है। एंड अगर हम टॉप लाइन का स्प्लिट अप देखेंगे तो 80% उनका इंडिया से रेवेन्यू आता है, 20% अब्रॉड से आता है। मेजर क्लाइंटेल इंडिया में सारी बेसिक बड़ी शुगर कंपनीज देख लीजिए, पेट्रोलियम कंपनीज देख लीजिए, ये सारी कंपनीज उनके क्लाइंट है। एंड इवन यूएस, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज में भी उनके क्लाइंट है। अगर अभी हम जैसे कि मैं पहले उनके इनोवेशंस और इसकी बात कर रहा था, तो अगर हम इनोवेशंस के बारे में देखें तो बायो एनर्जी जो उनका सेक्शन है, बायो एनर्जी के सेक्शन में ही दे आर वर्किंग ऑन सम मोर काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक फ्यूल्स एंड कंप्रेस बायोगैस। सो एक तो कंप्रेस बायोगैस हो गई, दूसरी फ्यूचरिस्टिक फ्यूल जैसे सैफ हो गया, सैफ बोले तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो हमारे जेट्स में, हमारे फ्यूचर प्लेन्स में जाएंगे उसमें। तो अगर उसकी बात करें तो उसका फाइनल लेग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हो गया है एंड कमर्शियल ऑफरिंग के लिए वो ऑलमोस्ट रेडी है। तीसरी चीज हो गई है मरीन बायोफ्यूल्स। मरीन बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी ओशन रिग्स और शिपर्स रहते हैं इसमें ये यूज अप आती है, तो वहां पे भी उनको अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। तो होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग प्रेजेंटेशन और इन द कॉन कॉल वी शुड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम। करंट रिजल्ट कैसा रहा है, कॉमेंट्री कैसी रही है, ये हमें रुशद बताएंगे। एब्सोल्युटली, तो एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि प्राज करती क्या है, और जैसे बकार ने कहा आई थिंक काफी कुछ इनोवेटिव चीजों में ये फोरे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल जो बकार कह रहे थे जो विमानों में लगता है, मरीन फ्यूल जो शिप्स कंटेनर्स के लिए लगता है, जो बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स के लिए इन्होंने एक जो एक पेटेंट किया है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और एक रिन्यूएबल या रिसाइकलेबल मटेरियल के लिए भी इन्होंने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है और प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो काफी कुछ कर रहा है प्राज आउटसाइड इथेनॉल, बट क्या ये सारी चीजें नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है रुशित? सो इज इट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन नंबर्स, और मैनेजमेंट का क्या कहना है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट या फंडामेंटल जो हम ईपीएस रेटिंग से मापते हैं? यस मयूरेश, नंबर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है,
अभी नहीं बट पिछले कई सालों से, बट अभी हम अगर 3 सालों की बात करें, सिंस लास्ट 3 ईयर्स उनका रेवेन्यू सीएजीआर इज 39% और उनका एबिटा सीएजीआर इज 52%। आई थिंक दिस इज इनफ प्रूफ टू से दैट यस दे आर डिलीवरिंग द नंबर्स एज वेल। डेट की बात करें तो इट्स अ नेट डेट फ्री कंपनी, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर बुक उनका अभी 4,000 करोड़ का है, विच इज वेरी डिसेंट एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो। अभी अगर कोई रिजल्ट देखेगा पिछले क्वार्टर का या लास्ट 1-2 क्वार्टर का, थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ इतना अच्छा मिला नहीं है, बट ब्रॉडली मार्जिन काफी इंप्रूव हुए है। अगर आप FY21 से FY23 ये 3 साल की बात करें तो एबिटा मार्जिन 8 या 9% के बीच में रहता था, लेकिन अभी अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो FY24 में वो 11.2 था और Q1 में 13% से भी ज्यादा था। सो ओवर लास्ट 3 ईयर से कंपेयर करें तो एबिटा मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट आया है। अभी एक और क्वेश्चन आता है प्राज पे कि भाई ऑर्डर बुक का जो मोमेंटम है वो थोड़ा अभी 1-2 क्वार्टर से थोड़ा लॉस्ट हुआ है, बट दैट इज मेनली ड्यू टू ये इलेक्शन सीजन था, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा ऑर्डर बुक में पीछे हुआ है, बट द वे दे आर कमिंग अप विद द न्यू इनिशिएटिव, द गवर्नमेंट टारगेट, जैसे कि अभी होम मिनिस्टर ने बोला था कि लास्ट वीक ओनली दैट नाउ बाय 2025-26 20% टारगेट ये लोग अचीव कर लेंगे। करंटली इट्स अराउंड 13-14% अचीव हुआ है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो अगर इतना क्विक टारगेट अचीव करना है तो डेफिनेटली द वे यू स्टार्टेड कि देर आर टॉक्स इन द टाउन अबाउट कि मोर इंसेंटिव्स, हायर प्राइसेस फॉर इथेनॉल, तो उसके चांसेस यहाँ पे काफी बढ़ जाते हैं। और बाकी लास्ट रिजल्ट की बात करें तो प्रॉब्लम देखो मेजरली क्या हुआ कि एक पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन था ऑन द यूज ऑफ शुगर सिरप एज फीड, ठीक है, तो एक तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और दूसरा नेशनल इलेक्शंस था तो उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन थे उसमें चैलेंजेस आ गए। अदरवाइज इट इज अ रोबस्ट बिजनेस एंड आरओई ऑफ 27 व्हिच इज रियली रियली गुड, एज आई डिस्कस इट हैज द रेवेन्यू अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर इज आल्सो रियली गुड। परफेक्ट। और जो हम कैंसिलम में देखते हैं जो अर्निंग्स ग्रोथ 20-25% की होनी चाहिए, ये शायद कंपनी फुलफिल कर रही है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस, एनुअलाइज बेसिस पे। जैसे आरओई की बात की, एक थ्रेशोल्ड आरओई जो कैंसिलम में होती है 75.5% की, उससे काफी ऊपर है। और एक खबर मार्केट में ये भी चल रही है गाइस कि शायद 5% डीजल में भी ब्लेंडिंग हो, तो अगर ये होता है नहीं होता है ये सारी चीजें निर्भर करेंगी आगे के परफॉर्मेंस पे। बट हैंडिंग इट ओवर टू राजशेखर नाउ, ये सारी चीजें हमने फंडामेंटली जो हमारी ईपीएस रेटिंग मापता है इससे देख ली, बट कैंसिलिन के हिसाब से स्टॉक कैसे प्लेस्ड है, डज इट फुलफिल ऑल द पैरामीटर जो हम कैंसिलिन में फॉलो करते हैं, अगर हाँ तो क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या की पिवट लेवल्स है, इफ यू कैन डिस्कस द सेम राजशेखर ऑन द कैंसिलिन फ्रंट। श्योर महेश, नाउ दैट वी आर अवेयर ऑफ द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड रीसेंट क्वार्टर अर्निंग्स व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड, now let's look into chart and understand what are the levels we are looking into and also more details from the current stream perspective. As you can see here, it is currently placed in a stage 2B flat base, very good base pattern, and during the base formation the volumes have dried up, which is a very good sign of a ideal base formation, and currently it is still 4% to the pivot, 3-4% from the pivot. 757 is a pivot, so 20 points, 30 points below pivot is a level. So as soon as it reclaims a pivot on higher volumes, it is going to be a good bet to invest. And if you look at the numbers or parameters, EPS has been very good at 90. As Rushit mentioned about the earnings, it has been very good growth rate in terms of sales especially, and it has been reflected in the company's EPS rating as well. Technical ratings, if you look at particularly RS strength, is gaining currently. Last two sessions, we have seen good pickup in the price action and volume action as well. So that is clearly reflected in the RS line as well. RS is placed at 70, which is a very good number. ABD rating is, which is more into accumulation or distribution within the stock, is also very good, is at A, which is almost the highest rating in the methodology. And if you look at other ratings and number of funds, which is another key parameter, the company has been having good backup or investments from the big institutional guys, and that has been improving quarter on quarter wise as well, which is again a positive sign. So everything for the company is looking good fundamentally and technically, and chart wise also price volume action as well,
wise also it is looking very good. So the level to watch out is 757, and anything above that level, 0 to 5% level, from there is a very good ideal buy range, and the volume should also be on the above average volumes to take or to start investing into this particular stock. Thank you Rajshekar. And guys, this is it. Raj Industries kai threadbare kar diya hai, fundamentally, technically, cancelling ke parameters ke upar, and therefore this stock becomes the stock of the week as per the Markets with India research team. Thank you so much Rushit, Rajshekar, Vakar. Guys, follow us more for more such updates and research insights at Markets with India. Thank you so much.